यो गुड आफ्टरनून, सूरज ऊपर है और हम सूरत में है। ये मेरा सेकेंड डे है सूरत में। ये गुजरात का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज है। आज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ये लोकल एरियाज को, सूरत का इधर का लोकल फूड और वो सब ट्राई करेंगे। आज पूरा एनर्जी से भर गया, वेदर भी अच्छा है, उतना सनी भी नहीं है। कुछ 3 किलोमीटर के बाद लोकेशन में बहुत अच्छा लोकल फूड मिलता है, मैं सुना था। उधर जाके ट्राई करेंगे, एक ऑटो लेके उधर जाएंगे। सुबह थोड़ा इडली खाया था, वो किधर गायब हो गया मुझे भी नहीं मालूम। आप इधर से? सूरत से। ये सूरत का लोकल फूड क्या है इधर? लोचा में बहुत सुना था। डायमंड कटिंग। आप किधर से है फिर? केवड़िया में। कितने साल हो गए इधर आके? इधर सूरत में 9 साल हो गए। घूमने में मजा आता है, पर यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। गाड़ी चलाते चलाते पूरा दिमाग घूम जाता है कि यहाँ पे सेंस ही नहीं है गाड़ी चलाने। एक इधर से आ जाता है, उधर से आ जाता है, घुसा जाता है। मैं देख रहा था ब्रदर, वो बंदा बोल रहा था कि इधर लोचा एक अच्छा फूड है, वो भी ट्राई करेंगे इधर। आज सुबह बाहर गया था कुछ ब्रेकफास्ट खाने के लिए, तो ट्रैफिक तो इधर तबाही मचा हुआ है। ये सूरत आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है ये। हाँ ब्रदर, ये सूरत कैसे लेना, उसके पास ब्रिज है ना, हाँ उधर छोड़ते हैं। कितना भाई? 80 रुपया होगा। 80 रुपीज। हाँ ओके, तो आप इधर से ही है? मैं सूरत का हूँ, गुजराती हूँ। गुजरात के बारे में कुछ बताइए हमको। सूरत शहर के बारे में क्या जानना है? ये सुंदर शहर के बारे में कुछ बोले हमको। सुंदर शहर है ना, सोने की नगरी है। अच्छे अच्छे लोग इधर बस गए हैं, करोड़पति बिजनेसमैन। आप कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से आया था, सूरत का नगर देखने के लिए। सूरत सिटी बहुत खूबसूरत है भाई। क्या खूबसूरत जगह बताओ, बताए हमको। सूरत जगह में बहुत है घूमने के लिए, अपना दिन निकल जाएगा तुम्हारा। इधर बगीचा, थिएटर और मॉल, नाइस है एकदम। इधर का लोकल फूड क्या पसंद करते हैं आप? खाने पीने में? हाँ खाने में। खाने में तो सब ऐसा पाव भाजी है, आलू पूरी है, खाउसा है, वड़ा पाव है, सबसे फेमस है बिरयानी। इधर देख रहा था कि बहुत लोग ये बिजनेस कपड़े का मार्केट बहुत है भाई। वो जबरदस्त। इधर कपड़े का मार्केट किधर है? बॉम्बे मार्केट, वो होलसेल में, बहुत बड़ा होलसेल है। बहुत औरत दूसरे जगह से इधर आके साड़ी खरीदते सुना था मैं। अरे बहुत आते हैं, कपड़े का मार्केट एक नंबर है। मैं इधर देख रहा था बगल में भी पूरा कपड़े का शॉप, पूरा कपड़े का मार्केट ही है इधर। ये क्या लोकल एरिया है? ये मेन सिटी है, सूरत सिटी। मेन सिटी। ये अंग्रेजों का टावर है देखो। अंग्रेजों का टावर? अंग्रेजों ने बनाया था। अच्छा 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 अच्छा। 200 साल पुराना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भाई? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं भरा हुआ नहीं हूँ, इंग्लिश में टॉकिंग मत करना। मैं हैदराबादी हिंदी बात कर रहा था। नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश अपने भरे हुए नहीं है। वही वही वही, इंग्लिश में टॉकिंग करोगे तो मुझे समझ नहीं पड़ेगा। तुम गुजराती बोल रहे हो? आती है आपको गुजराती? उतना नहीं आती है मुझे। आप कैसे हो? आप तो ऐसा बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, आप गुजराती में बोलने का केवा सोता में। केवा सोता में? अच्छा अच्छा अच्छा। ये अपना दोस्त है। ये पूरा दुकानों से भर गया है कपड़ों का। कपड़े का ही भैया। अच्छा, सूट मिलेंगे, घड़ियाल मिलेगी, पटा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, इधर पूरा टोटल ये मिलेगा। इधर का ट्रैफिक भी ज्यादा ही है। ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ से लेके। वो पूरा लेडीज मार्केट है, उसको बोलते हैं चौथा बाजार। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है सूरत में। ये काका की पब्लिक आती है इधर। मुंबई में चोर बाजार कैसा है? ऐसा है इधर। अच्छा, चोर लोग नहीं है, होलसेल में मिलते सब। वो देखो नीचे देखो। हाँ वो उधर भीड़ तो बहुत है उधर। पागल हो जाओगे। जो सच्ची बोल रहे हो ना भाई, ये पूरा मार्केट है देखो। मार्केट? अच्छा, सब चीज मिल जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज? A to Z। ये अपना दोस्त है वो। अच्छा, सैटरडे संडे के दिन और होगा शायद? सैटरडे संडे तो आप पागल हो जाओ। 4-5 दिन घूमोगे ना मेरे साथ तो आपको गुजराती भी सिखा दूंगा। बाकी मेरी पैदाइश ही गई। अच्छा, सूरत में पैदा हुआ था मेरे पापा, उनके पापा सब यहाँ से ही है। हाँ, मेरा ओरिजिनल सुरती लाला है। हाँ, सुरती लाला बोलते हो सूरत के जो होते हैं ना। हाँ, अच्छा अच्छा। ये ट्रैफिक तो इधर बहुत है। अपने बहुत है भैया, पूरा सूरत किला है। किला? ये अंग्रेजों का किला है देखो, पूरा बना हुआ है।
ब्रिटिशों का ब्रिज। ये नीचे का रिवर कौन सा है, नदी कौन सा? तापी नदी। तापी नदी, अच्छा। सूरत में क्या पसंद है आपको? मुझे तो सभी चीज पसंद है। सभी चीज पसंद है, पीने का, सभी पसंद है, घूमने का, खाने का। तो ऐसी कोई चीज है कि सूरत में ये पसंद नहीं है? ऐसी कोई चीज ही नहीं है भाई, कोई चीज ही नहीं है जो नहीं पसंद है। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, इधर बगीचे बहुत है। इधर छोड़ देना, मुझे कॉल करना, ज्यादा मांगे कॉल करना। 100 rupees ले लेना, 100 ले लेना, चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा। नहीं, तुम्हारी मर्जी होना। आप इतना कुछ बताए थे वो। अरे अजू तो बहुत सूरत तो नाइस मीटिंग है ब्रदर। ओके, नाइस, थैंक यू भाई। ओके, आ गए थे हम थोड़ा लोकल एरिया को, इधर कुछ वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। ये सूरत वर्ल्ड बिगेस्ट डायमंड कटिंग एरिया है, थर्ड क्लीनेस्ट सिटी भी है सूरत का। एक लोकल फूड ये है कि लोचा है, वो ट्राई करेंगे। क्या ये सूरत सिटी देख रहा था? आप देख रहे हो, सूरत सिटी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? हाँ, तो बोलिए आप। सूरत सिटी, सूरत बहुत बढ़िया सिटी है। यहाँ एवरी क्लास एंड क्रीड के आदमी को धंधा रोजी मिलता है। यहाँ डायमंड और टेक्सटाइल का धंधा मेन है भाई, बिजनेस ज्यादा चलता है यहाँ। बिजनेस ओरिएंटेड पीपल है, गुजराती लोगों बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। पर यहाँ खाने का एक कहवत है कि सूरत का जमन और काशी का मरण। हाँ, सूरत इज अ वेरी नाइस सिटी टू लिव। लोकल फूड क्या पसंद है इधर सूरत में? देयर आर सो मेनी वैरायटीज, खमन, देन लोचा, खाजा, देन समोसा, देन पेटीज, देन सो मेनी आइटम। सूरत से सही है आप? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत। आई हैव स्टडीड, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बेसिकली। ओह ग्रेट। सूरत को कई अप डाउन आए, फ्लड आया, प्लेग आया, लेकिन अर्थक्वेक आया, तो सूरत इज जस्ट लाइक अ फोनिक्स बर्ड, इट इज गेटिंग रिवाइव्ड इमीडिएटली। सूरत इज वेरी टफ। या सूरत इज फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। ये रिवर तापी है तो तापी का प्रभाव है कि पानी भरपूर है। एंजॉय योर डे। तो अब हम लोचा ट्राई करेंगे, इधर बहुत फेमस है कहते हैं। कुछ जानी लोचा उधर वो शॉप को जाएंगे। सूरत में लोग भी ज़्यादा है और ऑटोज भी ज़्यादा है। इधर मुझे अच्छा अच्छा फूड स्मेल्स भी आ रहा है थोड़ा। इधर थोड़ा ट्रैफिक है, देख के जाना पड़ेगा। मैं जहाँ से आ रहा था उधर से कंपेयर करते हुए इधर ये एरिया थोड़ा क्लीन और रोड्स भी अच्छा है। तो आज का वेदर इधर बहुत ह्यूमिड है, सन भी नहीं है। तो इधर वो जानी लोचा के शॉप आगे है, ये एक लोचा मिलेगा। आपको कैसा खाना है, तीखा खाना है, नॉर्मल खाना है, फिर एकदम ताला खाना है? थोड़ा स्पाइसी दे देना। सीजन वाला चलेगा? हाँ सीजन वाला चलेगा। लोकल फूड टेस्ट करने के लिए आया था इधर, क्या रहते हैं उसमें वो लोचा में? चना की दाल का रहता है, चना को भीगा के अच्छा उसका आटा बनाना पड़ता है। कितना है ब्रदर कॉस्ट? 90। इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा आते हैं लोग। एक बार इधर देख सकते हैं, ये है लोचा। मैं सोचा कि इधर लोग बहुत होंगे पर थोड़ा कम ही है। टेस्ट तो अच्छा है, थोड़ा हॉट हॉट है, बहुत रिफ्रेशिंग है। मैं कभी भी नहीं खाया ये लोचा को। इधर देख सकते हैं कुछ चटनी दिया है और चीज़ वो सब डाला है ऊपर। ये सूरत से कितने सालों से आपका शॉप? 40 साल ऊपर हो गए। 40 साल ऊपर हो गया है ये शॉप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है ये। तो मैं सोचे थे कि ज़्यादा पब्लिक होंगे इधर। मॉर्निंग में होती है, मॉर्निंग में होती है, मॉर्निंग में और संडे के टाइम। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग में खाते हैं? मॉर्निंग में ज़्यादा चलते। अच्छा, चटनी को टेस्ट करेंगे थोड़ा। चटनी से मिक्सर है तो थोड़ा लोचा अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैं लोचा के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं रोज़ का खाता हूँ पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है। थैंक यू ब्रदर, लोचा के लिए बहुत टेस्टी था, अच्छा हुआ आपसे मिलते हुए। थैंक यू, शुक्रिया। तो वो था हमारा लोचा। इधर कुछ कैब्स वैसे बेच रहे हैं, ये बस स्टॉप है सूरत का। तो वो लोचा बहुत अच्छा था, इधर बहुत प्लेजेंट है, प्लेजेंट होने से हम भी प्लेजेंट हो जाते हैं। बैनियन ट्री, जबरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीज आर बैनियन ट्रीज, आई लव इट।